क्लास से। अच्छे अ वेरी गुड आफ्टरनून टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रेस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है। बहुत ही मस्त लर्निंग आज होने वाली है, बहुत ही बढ़िया BC होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, यस स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल सर, ओवर टू यू सर। यस सर। आवाज जा रही है सर बराबर? जी जी बिल्कुल ठीक से आ रही है सर। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर एम एल सेगल सर, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्र सर एंड ऑल अवर रिस्पेक्टेड मेंटर्स एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आलोक पटेल सर। सो आज का सेशन स्टार्ट करें। केस नरेट करूं मैं? जी सर, मैं कर देता हूँ अगर आप कहें तो। करता हूं सर, चलेगा। ये जो ये केस है ना, कम से कम 2017-18 का कुछ है। केस मेरे साथ कम से कम 1.5-2 साल तक चला था और लास्ट में सी वॉज वेरी इरेगुलर। ये मेरे पास इसके लिए आई थी कि उसको थायराइड की ट्रीटमेंट, मतलब थायराइड की जो दवा ले रही थी वो उसको छुड़ाने की थी, मतलब उसको हाइपोथायराइड था। तो ये 27 ईयर ओल्ड लेडी थी जो थायराइड की प्रॉब्लम लेके आई थी। उसको 4 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी। उसकी लाइफ सिचुएशन ऐसी थी कि ये लड़की जो है ना 12th तक पढ़ी थी, 12th में उसको अच्छे मार्क्स भी आए थे, लेकिन 12th के बाद उसकी शादी हो गई थी। तो महाराष्ट्र में अकोला वगैरह जो है वो साइड में वो रहती थी बिफोर मैरिज, और मैरिज के बाद में वो बॉम्बे में रहने को आई। तो यहाँ उसका फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थे, अभी उसका हस्बैंड है और 2 चिल्ड्रन है। एक चाइल्ड जो है वो कुछ 4 ईयर है, सेकेंड जो चाइल्ड था वो 27 मंथ का था जब। और इसको वहां मुल्क में 3 ब्रदर थे, 3 सिस्टर थे, और ये सबसे यंगेस्ट थी। फादर एक्सपायर्ड हो गए थे बिकॉज ऑफ IHD एयर, कुछ किडनी प्रॉब्लम था उनको। मदर है, उनको डायबिटीज थी और हाइपरटेंशन है मदर को। और अभी वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, 2 ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ में रहती थी, और ये सबसे अभी घर में सबसे बड़ी बहू थी। तो पेशेंट का वर्जन ऐसा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में 3 मंथ से मालूम, तीसरे महीने से मालूम पड़ा था कि थायराइड का प्रॉब्लम है। उस टाइम मुझे कुछ फील नहीं हुआ था। अभी मेरे बाल जा रहे, मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आ गया है, वजन भी बढ़ रहा है, मतलब ओबेसिटी हो रही है। सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसा लगता है कि उनको कुछ सुना दो। फिर बोलती है, पहले मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था, मेरी दोनों बहनों को भी है, एक को गले में है, उसकी एकदम सेहत हो गई है, मतलब वो एकदम ओबेस हो गई है। अभी पेशेंट के माइंड में क्या रहता है कि कॉमन मैन के माइंड में रहता है कि किसको गले का थायराइड है, किसको खून का थायराइड है, किसको मतलब सेहत अच्छी होने का थायराइड है, किसको एकदम पतली होने का थायराइड है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन खून का थायराइड, गले का थायराइड, ये सब पेशेंट का अलग अलग वर्जन है। फिर बार बार उसको इन्फेक्शन होता है, ये सिस्टर की बात कर रही है, और बड़ी वाली बहन को भी होते है। तो उसको खून का थायराइड है, उसको माहवारी में मतलब मेंसिस में तकलीफ होती है। फिर बोलती है, मुझे ऐसा नहीं है, और जिन्होंने सुना कि मुझे थायराइड है तो उन्होंने बताया कि तेरे को अभी तकलीफ कम है, तेरी उम्र भी कम है, तो तू आयुर्वेदिक की दवा ले, चालू कर। मेरा कौन सा थायराइड है मुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा है, बार बार सर्दी होती है, दवाई लिए तो अच्छा हो जाता है,
थोड़ा भी ठंडा पी लिया या मौसम थोड़ा भी बदली हुआ तो भी मतलब बीमार हो जाती, सर्दी हो जाती है। फिर बोलती मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है। बीच में पैरों में तकलीफ थी तो उसने डॉक्टर का नाम बताया, ये डॉक्टर से कैल्शियम की दवा ली थी तो जरा मेरे को बेटर लगा था। फिर मैंने पूछा थायराइड से आपको दिक्कत क्या रही है और इसको लेके मन में आपको क्या विचार आता है, तो बोलती कि अपन कोशिश भी करो, किचन में जाने का दिल नहीं करता, ऐसा लगता है लेटे रहो, लेटने से सुकून लगता है, या पास बैठे रहो या बस बैठे रहो, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, दोपहर में भी लेटना पड़ता है, लेटने से सुकून होता है। मेरी बहन ने बोले कि तेरी उम्र अभी कम है, अभी तू दवाई ले ले, हम लोगों ने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तू अभी भी दवा ले, मतलब तू अभी दवा ले मतलब तू आयुर्वेदिक की दवा ले, उसकी थायरोनोम 100 माइक्रोग्राम की तो चालू थी, लेकिन बोलता है कि अभी तू ये दवा ले ले तो तेरा अभी से कंट्रोल में हो जाएगा, तो ये दवा तेरी बंद हो जाएगी। फिर हस्बैंड ने बताया उसका वीक में एक बार तो कैसेट चालू हो जाता है, पहले सब जमा करेगी, फिर ग्लास फुल हो जाएगा तब बोलना चालू कर देगी, मेरे को भी सब सुनाएगी, मतलब एक टाइम वो गुस्सा जमा करेगी, गुस्सा जमा करेगी, जो जॉइंट फैमिली था किसके ऊपर गुस्सा है तो ये जमा करेगी, उसके बाद में एक टाइम हस्बैंड को सुना देगी सर। फिर पेशेंट बोले बातें मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होती, मुझे खुद को फील होता है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं चाहती हूं कि मैं सामने वाले से अच्छे से बोलूं, लेकिन वो भी मुझे समझना चाहिए, ये लोग मुझे क्यों समझ नहीं पा रहे। बहन लोग बता रहे थे कि तली हुई चीजें नहीं खाने का, फूल गोभी नहीं खाने का, फिल्टर तेल नहीं खाने का, इसके लिए ये सब मैं अभी नहीं खा रही। एक दो टाइम बाथरूम टाइट होती थी तो बहन लोग ने बताया कि पानी कम पिएगी तो बाथरूम टाइट होगी। फिर मैंने पूछा उसको फूड के लिए, स्लीप के लिए, ड्रीम्स के लिए, लेकिन उसमें कुछ इतना रिलेवेंट नहीं था। फिर स्वेटिंग का पूछा, पर्सपिरेशन का, तो बोला पर्सपिरेशन बहुत कम आता है। फिर बोलती इन लोग के घर में सबको पसीने में बास आती, मतलब जो इन लोग है उनकी फैमिली में जिस सबको पसीने में बास आती है, ऐसा मुझे नहीं आती, और बहुत सारी चीजें बोली थी उसने केस टेकिंग के टाइम, लेकिन वो इतना रिलेवेंट नहीं था, इसके लिए फिर मैंने नहीं लिखा। सबने अपना अच्छा एनालिसिस डाला है, रूब्रिक्स भी अच्छे लिए और मेडिसिन भी क्रैक हुई है, देखते हैं कौन सी मेडिसिन है। सो आप लोग में से पीस बताएंगे कोई अपना एनालिसिस या रूब्रिक्स? जब स्टार्ट किया ट्रीटमेंट तो उसका थायराइड कुछ 8 TSH 8.5 या 9 के रेंज में था, और मेडिसिन स्टार्ट करके 6 पोटेंसी में मैंने स्टार्ट किया था, फिर 30 दिया था, लास्ट में 200 दिया था। तो एक टाइम 2020 में भी मेरे पास आई थी, जब भी उसका TSH कुछ 2.5 कैसा था विदाउट टेकिंग थायरोनोम, तो जब के उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट बंद कर दिया, और एवरी 3 से 4 महीने के टाइम हम लोग T3 T4 TSH कराते थे, जब भी वो करती थी तो थायराइड लेवल जब भी कम आता था तो उसकी गोली जो है 12.5 हम लोग रिड्यूस करते गए, 12.5 से रिड्यूस करते गए और लास्ट में फिर स्टॉप कर दिए। हेलो, कोई बताएंगे, कोई शेयर करेंगे? जी प्लीज ऐड कीजिए, सभी अपना अपना एनालिसिस बताइए।
नागेंद्र सर, मीना मैम, प्रणाम सर जी, प्रणाम सर, प्रणाम श्री गणेश कीजिए सर। केस तो समझाना, सभी को पढ़ा है सभी ने? अभी तो ऑफिस से आ रहा हूँ सर, बस मेरे क्या हो गया, कोई बोल नहीं रहा है, क्या हो गया? वही गुड आफ्टरनून, सब सुन गए क्या? आ जाओ गुड आफ्टरनून सर। एंजाइटी हेल्थ अबाउट लिया था जो उसने शुरू किया केस, कि बाल पतले हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, और मुझे लाइट डिजायर लगा था सर कि ये मेरे को कौन सा थायराइड है मालूम नहीं, तो लाइट डिजायर लिया था, और रेस्ट डिजायर लिया था कि जो उसने बोला ना कि लेटने से सुकून लगता है, और बेड रिमेन इन बेड डिजायर, किचन में जाने का दिल नहीं होता, लेटे रहने का मन होता है, और मैंने सेंसिटिव भी लिया था कि मतलब उनको भी समझना चाहिए, मुझे बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस लिया था मैंने, क्योंकि जब हस्बैंड ने बोला ना कि ये सुनती रहती है, बातों को कलेक्ट करती रहती है, जब ग्लास फुल हो जाता है तो इसका कैसेट एक दिन वीक में चालू होता है, तो एंगर सप्रेस लिया था, तो मेरी रूटा आ रही थी सर, स्पॉन्जिया भी आ रही थी पर मुझे रूटा ही लग रही थी। बाकी आप बताएंगे सर। देखो एक कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ये पेशेंट में बैड डिजायर टू रिमेन नहीं है, क्यों नहीं है? शायद थायराइड के पेशेंट को वीकनेस आती है इसलिए क्या सर? हाँ यस, वेरी गुड। तो देखो एक छोटा सा पीपीटी शेयर करता हूँ, सर डिजायर डिल्यूजन इंजर्ड बाय सराउंडिंग है सर ना? बहुत साल पहले पीपीटी तैयार किया था, इसमें ध्यान में रखो जो हमें अभी इसमें दो चीज लेना है, एक तो जो बीमारी है वो और पेशेंट है, तो बीमारी का जो सिम्टम्स है वो तो हमें नहीं लेना है, तो वो सब हमें थोड़ा साइड में करना है। We are not treating hypothyroid. We are treating patient in hypothyroid. तो hypothyroid का जो feature रहता है ना वो हमें side में रखना चाहिए, तो इसके लिए मैंने bed desire इधर नहीं consider किया था। देखो ये जो symptoms है ना, तो हम लोग मतलब ये सब symptom हमें hypothyroid के patient में actually consider नहीं करना चाहिए, इसके related कोई भी symptom है, weakness है, fatigue है, cold intolerance, constipation, weight change, depression, menorrhagia, हॉर्सनेस, ड्राई स्किन रहेगा, ब्रेडीकार्डिया रहेगा, डिलेड डीप रिफ्लेक्सिस, जो एंकल अपना एंकल का रिफ्लेक्सिस वगैरह जो डिले हो जाता है, एनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, इसमें से कुछ भी रहेगा ना, ये हाइपोथायरॉइड का मेन सिम्टम्स रहता है, तो इसमें से अगर कुछ भी सिम्टम्स है तो हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए बेसिकली। और हाइपोथायरॉइड है ना कभी कभी मतलब जो बोलते हैं ना सब क्लिनिकल लेवल पे भी रहता है, कभी हम लोग सिर्फ थायरॉइड टेस्ट कराते हैं उसमें आ जाता है 8.5 या 9-10 ये रेंज में आ जाता है, कभी 6-7 के रेंज में आता है जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं, तो उसमें भी कभी कभी ये नॉन स्पेसिफिक ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, तो ये सब सिम्टम्स हमें एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। कभी मसल पेन होता है, ज्वाइंट पेन होता है, लिथार्जी, वीकनेस, ये जो सब सिम्टम्स है वो एक्चुअली हमें हाइपोथायरॉइड में कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो सर रेस्ट डिजायर भी नहीं ले सकते फिर? फिर रेस्ट डिजायर लेंगे, मतलब रेस्ट डिजायर बहुत मार्क है, पेशेंट बार बार बोलता है ना, तो लेने का, क्योंकि अभी वीकनेस है, फटीग है, तो नेचुरली उसको बेड डिजायर टू रिमेन या लाइंग डाउन डिजायर, रेस्ट डिजायर, ये सब सिम्टम रहने वाला है, तो बेसिकली ये डिजीज का सिम्टम है, इट इज नॉट ऑफ पेशेंट। ये दोनों रेशनेबल है सर ना? हाँ? उसकी बहनों को हुआ है तो उसकी इम्प्रेशन है, इसको
हाँ इम्प्रेशन कंसीडर कर सकते हैं। अभी कोई माइग्रेन का पेशेंट बोलेगा कि मतलब मैं आंख बंद करके सो जाता हूँ, लाइट बंद करता हूँ, ये सब जब सिम्टम बोलता है ना तो हमें लास्ट में कंसीडर करना, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स रहता है, ये डिजीज का कॉमन सिम्टम रहता है, तो वो कंसीडर इतना हमें नहीं करना चाहिए। पेशेंट का सिम्टम्स क्या है वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। फिर हाइपोथायराइड में इरिटेबिलिटी भी रहती है, दैट इज आल्सो अ कॉमन सिम्टम। हाँ इट इज आल्सो कॉमन सिम्टम, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट। सर वो मेंटल है ना, मेंटल सिम्टम तो उसको लेंगे सर ना? क्या इरिटेबिलिटी? इरिटेबिलिटी देखो मार्क रहेगा तो ले सकते हैं, अगर इतना मार्क नहीं है तो लेने का जरूरत नहीं है सर, या तो क्या करने का वो सिम्टम्स है ना लास्ट कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब उसको बिल्कुल सही नहीं होता है बिकॉज ऑफ इरिटेबिलिटी, दे सकते हैं वो अगर मार्क है तो। ओके, या तो क्या करना, ये जो सिम्टम्स है ना हम लोग साइड में रिजर्व रखने का, फिर कंफर्मेटरी सिम्टम्स के लिए ले सकते हैं। ठीक है, हेलो क्लियर हुआ इतना सर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है समझो, हमें जो मेडिसिन हमारी आती है वो अभी बेड डिजायर में नहीं है, इरिटेबिलिटी में नहीं है, तो फिर हमारी वो मेडिसिन मिस हो जाती है। पहले पेशेंट का टोटलिटी बनाओ, फिर देखो अगर इसमें से अगर आ सकता है तो ठीक है, अगर मालूम पड़ता है कि ये डिजीज रिलेटेड सिम्टम है तो वो फिर अवॉइड कर। और भी कोई शेयर करेंगे? जी प्लीज ऐड कीजिए। सर सुचिता खराट मैम, संजय सर, किरण मैम, सर सर मैंने कंसिडर किया, जैसे वो बोल रही है कि बहनों को है तो जो वो बोलती है वो फॉलो कर रही है, सो आई टुक इट एज डिल्यूजन इमेजिनेशन, हेड बिलोंग्स टू अनदर एंड नाउ शी इज फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस जो उसकी बहन उसको बता रही है, खाने पीने में क्या अवॉइड करना है, फ्राइड नहीं लेना है, सो आई टुक केयरफुलनेस देन लाइंग अम्यूलरेट, और वो बोलती है कोई भी कुछ बोलता है उसको बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैंने ऑफेंडेड ईजिली लिया है एंड एज हर हस्बैंड सेड कि वो गुस्सा तब तक क्लासफुल नहीं हो जाता तब तक वो दबा के रखती है, तो एंगर साइलेंट पेंट अप लिया है सर, तो मेरा नेटर म्यूर आ रहा है। राइट, नेटर म्यूर बहुत करीब है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। जी और बताइए। केस समझा नहीं या डिफिकल्ट लगा, मतलब कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो बताइए, नहीं तो बाद में क्वेश्चन लेते हैं सर। हाँ चलेगा सर, और एक आध जन बोल देंगे तो फिर
डिस्क्लोज कर देंगे और तो रेमेडी का थोड़ा छोटा जर्नी भी कर लेते हैं। जी नाजिमा मैम, गिरीश कुमार सर राजेंद्र सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूजा मैम। इस केस में एक मुझे मार्क लगा कि वो जब उसको समझ नहीं पाते लोग, जब वो बोल रहे कि मुझे क्यों नहीं समझते ये लोग, ये मुझे थोड़ा सा मार्क लगा। तो एंगर अंडरस्टूड व्हेन नॉट, इस तरह का एक रूब्रिक मुझे मिला था वो, और सेंसिटिव ओडर, मतलब सारे सेंसेस जो है उसके लिए वो सेंसिटिव लगी। तो मेरा नक्स होमिका आ रहा है पूरे केस में, एक ही मुझे ये मार्क लगा कि वो उसको समझ नहीं पा रहे और इसके लिए उसका गुस्सा है। ओके, तो आपको नक्स होमिका का फील है ना? ओके, एंगर तो है। थैंक यू मैम। और सर वीक में मुझे जो जो मिले थे ना मेडिसिन, तो उसमें ये भी था कि कौन सी मेडिसिन में परस्पिरेशन स्कैंटी है। हाँ। तो बस वही मिला, बाकी सारे में तो मैं भी, मेरा गलत हो सकता है, लेकिन उस टाइप से मैं गई थी, उस तरीके से मैं गई। ये देखो परस्पिरेशन स्कैंटी है वो एक हाइपोथायरॉइड का भी हो सकता है ना, ड्राई स्किन रहती है उसमें। हाँ बिल्कुल बराबर। हाँ यस। अभी ये देखो इरिटेबिलिटी, बेड डिजायर टू रिमेन हमने नहीं लिया, इरिटेबिलिटी रहती है हाइपोथायराइड में, वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन इरिटेबिलिटी किसके तरफ है उसको और क्यों है फिर? वही अभी बोला ना कि जो लोग मुझे समझने के रहे हैं इसके लिए, right. तो ये तो थायराइड के प्रॉब्लम में कॉमन नहीं हो सकता। एंगर इरिटेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये सोच है वो सबसे अलग है। राइट और एंगर भी देखो सब में कॉमन नहीं है, इरिटेबिलिटी भी सब में कॉमन नहीं है, इवन बैड डिजायर टू रिमेन है वो भी सब में कॉमन नहीं है। सब पेशेंट को ऐसा नहीं होता है, मतलब सिम्टम वाइज भी देखो, डिजीज सिम्टम वाइज भी अलग अलग हो सकता है, किसको नहीं भी रहता है। या ऐसा कोई पेशेंट है जिसको हाइपर थायराइड है, कि जिसका जो मतलब सिम्टम्स क्या रहता है कि रेस्टलेसनेस से, मतलब स्लीप नहीं आती उसको, स्लीपलेसनेस से, रेस्टलेसनेस से, और टेकीकार्डिया है। अगर ऐसा पेशेंट बोलता है कि मुझे लेटने का मन करता है या लेट जाना पड़ता है कंपलसरी, जो बेड डिजायर टू रिमेन हम लेते हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन हाइपर थायरॉइड रादर देन हाइपोथायरॉइड। यस सर। और एक मार्क जो ये कि पूरे केस में वो कंपेयर कर रही है, अपने बहनों को कंपेयर कर रही है। उस केस में, उस डिसीज में उनको क्या हो रहा है, मुझे क्या नहीं हो रहा है, उनको है मुझे नहीं है। yes. तो ये भी एक पॉइंट कंपैरिजन वाला भी सोचने की बात है। राइट। वो इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते हैं ना कि कौन सा थायराइड है। हाँ। इसकी वजह से, हाँ, उसको मतलब एंजाइटी वही है कि भाई ये कौन सा थायराइड है, तो वो प्रिकॉशन वो जो बोल रहे हैं उस तरीके से ले रही, तो उसको ये कि भाई थायराइड मेरा बढ़ ना जाए, ये उसको है कि एक बार मुझे पता चल जाए ये कौन सा है तो वो अंदर से रिलैक्स हो जाएगी, पर वो उसको पता नहीं है। हाँ, तो ये उसका मेन है, और प्लस वो उसने जो बताया कि भाई कोई मुझे समझ नहीं रहा है, ये दो चीजें केस में है। बहुत अच्छा, थैंक यू। इसमें देखो जो पेशेंट जब भी हमारे सामने बोल के जाता है तो हमें पूरा का पूरा याद नहीं आता, लेकिन हमें एक फील आ जाती है, और दो तीन चार रूब्रिक आता है कि जो मतलब उस टाइम में हमें स्ट्राइक होता है, तो जब भी हम लोग मेडिसिन दे पाते। अगर समझो कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट पूरा बोल के जाता है, हम लोग लिख भी लेते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है, तो मैं अक्सर करके मैं क्या करता हूँ, अगर पेशेंट नजीक रहता है तो उसको एसएल दे देता हूँ, उसके बाद में उसको जब भी 1 वीक 10 डेज के बाद में बुलाने का, उस टाइम में जब तक एनालिसिस करके फिर उसको दवाई देता हूँ। लेकिन इसमें मेरे को 2-3 रूब्रिक स्ट्राइकिंग मिल गए थे, तो फिर मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया था।
एक रूबरिक है उस, हाँ बोलिए रहना सर, कॉशियसली एंग्शियस हो रही है, जो बहनों ने उनको बोल दिया कि ये कम करो तो उन्होंने ये भी कम करके देख लिया है, तो मे बी ये रेमेडी कॉशियस एंग्शियस में आएगी। और उसके हस्बैंड बोल रहे कि एक बार वो भर लेती है और बाद में बोलना शुरू करती है, तो ये उस टाइप की भी हो सकती है कि ये कैसेट वाली, एक बार शुरू कर दिया ना तो वो खत्म ही नहीं होती, इस टाइप की हो सकती है। मैं तो नहीं पहुंच पाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है मेरे को ये। कोशिश में है ये रेमेडी, यस। और देखो ये चीज उसने बार बार बोली है, एक तो कि सब लोग ने बोला कि तेरी उम्र कम है तू अभी से आयुर्वेदिक की दवा चालू कर ले, ठीक है एक ये चीज। दूसरा कि बहन लोग ने बोले कि तू दवा चालू कर दे, तेरी उम्र कम है, तेरे को अभी इतना ज्यादा नहीं है, बराबर। फिर वापस बहन लोग ने बोली कि ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ये तेल नहीं खाने का, वो तेल नहीं खाने का, तो भी उसने मान ली, ठीक है ना। फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो भी ये बहन लोग को जाके पूछी कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उन्होंने बोले पानी कम पीती है तो इसके वजह से तेरे को कॉन्स्टिपेशन हुआ रहेगा, बराबर है ना। तो ये क्या सबकी बात मानती भी है, तो उधर भी एक रूब्रिक है जो मैंने रिट्रो में लिया था, लेकिन मेन रूब्रिक जो है वो मेजोरिटी बहुत जन ने लिया है, वो रूब्रिक क्या है इसमें सर? ये तो हेड बिलोंग्स टू अदर है ना। यस वेरी गुड, ये मुझे लगता है सबसे फर्स्ट ये रूब्रिक है ना, किसने लिया है सर? ये बहुत स्ट्राइकिंग रूब्रिक है इस केस का सर। ये बहुत इस केस का मेन रूब्रिक, यहाँ से ही मेरा एंट्री पॉइंट हुआ था। मेरे को लगता है ये डॉक्टर अभिषेक सर ने लिया था फर्स्ट जो है ना ग्रुप में, उन्होंने लिया, उसके बाद में सब लोग ने लिया ये रूब्रिक कि डेल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, ठीक है। ये मेरा इधर ही मेरा एंट्री पॉइंट था। दूसरा ये जो बोलती है ना कि मुझे घड़ी घड़ी सर्दी हो जाती है, कुछ भी खाई तो तकलीफ हो जाती है, बराबर। ये भी देखो बहुत पेशेंट बोलता है, और मेरी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। लास्ट देखो लास्ट नवंबर महीने में अगर कोई दिल्ली आए रहेंगे, जो डॉक्टर शंकरन सर का सेमिनार अटेंड किया था, तो उनके पास ऐसा एक पेशेंट आया था, वो सिर्फ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आया था। तो उन्होंने जब भी यही रूब्रिक कंसिडर करके मेडिसिन दिया था कि मेरी इम्यूनिटी पावर कम है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा दो। अभी तक बहुत सारे डॉक्टर से दवा लिए, विटामिन लिए, टॉनिक्स लिए, होम्योपैथी की दवा लिए, लेकिन कोई मेरी बीमारी को समझ नहीं पाए। तो उस टाइम में हॉल में कम से कम मुझे लगता है 600 या मोर देन 700 डॉक्टर्स रहेंगे, लेकिन कोई भी ये रूब्रिक ये सही से पकड़ नहीं पाए थे, और वो रूब्रिक कंसिडर करके ही सर ने दवाई दी। हेलो, हाँ सर, ये जो आप बोल रहे कि थोड़ी थोड़ी बातों से इसको सर्दी हो जाती है, तो ये डेल्यूजन डेलिकेट ऐसा कुछ है क्या? डेल्यूजन डेलिकेट या डेल्यूजन बिटल थुजा की तरफ जा रहा है ये? या तो ये रूब्रिक है, यही मेरे को स्ट्राइक हुआ था, डेल्यूजन ब्रिटल, डेल्यूजन डेलिकेट, ये रूब्रिक ही मेरे को स्ट्राइक हुआ था सेकंड। और शंकरन सर ने ये रूब्रिक लिए के उसको कभी थूजा दिया था वो पेशेंट को, ठीक है। तो ये सेकंड रूब्रिक था मेरा, फर्स्ट एंट्री पॉइंट यही था कि डेल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर। नेट्रम्यूर भी है उसमें, लेकिन नेट्रम्यूर है उसमें लाइट डिजायर है, तो ये लेडी को उतना लाइट डिजायर नहीं लगा। नेट्रम्यूर जो है डिग्निफाइड लगती है, तो ये लेडी में ऐसा डिग्निटी जैसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ जो हिसाब से वो बोलती थी वो, ठीक है। नेट्रम्यूर का देखो एक चाइल्ड था मेरे पास, तो वो कुछ पांचवी छठी में पढ़ती रहेगी, एकदम हाई फाई इंग्लिश मीडियम की थी, तो उसको चाइल्ड को मैं अकेला बुलाया अंदर, पेरेंट्स भी टीचर्स थे, पेरेंट्स बाहर बैठे थे, और चाइल्ड बहुत इंटेलिजेंट, हमेशा फर्स्ट रैंक आने का अच्छे से अच्छी स्कूल में। मैंने जब भी उसको पूछा तो एक दो टाइम उसने बताया, उसके बाद जब भी मैं पूछा चाइल्ड को मतलब वो गर्ल को, तो बोला ठीक है अंकल मैं आती हूँ जरा मेरी मम्मी को पूछ के आती हूँ, वापस बाहर जाने का, मम्मी को पूछ के आने का, फिर मेरे को आंसर देने का। फिर अगर कुछ पूछा उसको समझ में नहीं आया, वापस बाहर गई, मम्मी को पूछ के आती हूँ, ऐसा करके मम्मी ने जो बोली वो फिर मेरे को आके बोलने का। तो दैट इज हेड बिलोंग्स टू अनदर, वो नेटर म्यूर चाइल्ड था।
ठीक है, मतलब सामने वाला जो बोलता है ना उसके साथ में उसके जैसा ये करता है। मतलब देखो पहले सबने बोले कि थायराइड की तू दवा ले तेरे को कम हो गया, फिर सिस्टर लोग ने बोले, फिर दूसरे लोग ने बोले, फिर वापस सिस्टर लोग को पूछा कि क्या खाने क्या क्या नहीं खाने का, मतलब वो लोग जो बोलते हैं वैसा ये करते जाती है, जैसा सिस्टर लोग बोले वैसा ये करते जाती। उन्होंने बोले ये नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, फ्लावर गोभी नहीं खाने का, तो वो नहीं खाने का, ठीक है ना। उसमें और एक रूब्रिक जुड़ सकता है जो मैंने रिट्रो में लिया था, उस टाइम मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ था, वो कौन सा रूब्रिक हो सकता है? सर आप बोल रहे हैं ना जो ये उसके थूजा का ब्रिटलनेस वाला रूब्रिक जो बोला, तो सर ये डिल्यूजन डिफेंस और प्रोटेक्शन ही हैज नो वो वाला रूब्रिक नहीं ले सकते क्या? उसमें नहीं है थूजा? हाँ उसमें कार्सिनोसिन है, कार्सिनोसिन सिंगल है जी सर, वो नहीं आ सकता। हाँ तो उस सर एक बार इसे समझा दीजिए। हाँ वो मैं बताऊंगा, बता दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, ये सबका जो बात मानती है तो ये क्या हो सकता है? क्रेडुलस है सर ये। क्रेडुलस नहीं है, क्रेडुलस तो इमीडिएटली एक्शन लेगा। यील्डिंग पर, यील्डिंग डिस्पोजिशन, यील्डिंग डिस्पोजिशन, एक यील्डिंग डिस्पोजिशन। और तो नेव ले सकते हैं? नेव नहीं आ सकता, मतलब ये नेव का फीलिंग नहीं दी इसने मेरे को कि जो भोलापन रहता है ना वैसा भोलापन ये लेडी में नहीं थी। ये देखो बारहवीं तक पढ़ी थी। कॉन्फिडेंस वांट ऑफ कॉन्फिडेंस सर, इसको अपने पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई निर्णय नहीं ले सकती, जो बता दिया वही फॉलो कर लेती है। हाँ, वो भी ले सकते हैं। विशेस ऑफ अदर्स ले सकते हैं। कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स। यस, वही है, कंप्लाई टू द विशेस ऑफ अदर्स, तो ये ले सकते हैं। मतलब जैसा दूसरे लोग बोलते हैं वैसा ये करते जाती है। सर नेव से कैसे अपन इसको करेंगे? नेव जो है ना अपने को बोलेगा, भोला अपने को दिखेगा, वो भोलापन रहेगा। इसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा ये लेडी में, उसका वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं शेयर करता था, वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं है उसका। और तीसरा रूब्रिक जो मैंने स्ट्राइक किया था, मुझे स्ट्राइक हुआ था, वो ये बोलती है ना कि मैं पहले में ऐसी नहीं थी, पहले में ऐसी नहीं थी, तो ये क्या ले सकते? पर इंट्रोस्पेक्शन आ सकता है, वो खुद ही कर रही है, मैं पहले ऐसे नहीं थी, अभी ऐसे क्यों हो गई हूं। ओके, और कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी को लेके। यस, वेरी गुड, यही रूब्रिक मैंने ट्राई किया था, कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हिज आइडेंटिटी। वो पूरा रूब्रिक क्या है देख, ऐसा देखा जाएगा तो देखो इंट्रोस्पेक्शन में भी थूजा है, लेकिन यहाँ इंट्रोस्पेक्शन मेरे को नहीं लगा था। और जो इरिटेबिलिटी का ये रूब्रिक था, इरिटेबिलिटी का रूब्रिक था वो, देखो एक रूब्रिक है इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरी, मतलब उस वो आस्ते आस्ते करके जो हीट जमा हो जाती है जब भी उसको इरिटेबिलिटी होती है, दैट इज इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग। सर उसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे? जैसे उसका गुस्सा है कि वो थोड़ा 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 करके, मतलब जब इकट्ठा हो जाता है तब एकदम ही फिर बोलती है वही, मतलब इरिटेबिलिटी हिट ड्यूरिंग में कंसिडर किया था। और कौन सा रूब्रिक हम लोग कंसिडर किए थे? हेड बिलोंग्स टू अनदर, कन्फाइंड एज टू हिज आइडेंटिटी, एंड डेल्यूजन ब्रिटल। डेल्यूजन ब्रिटल या डेल्यूजन डेलिकेट,
देखो बहुत पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं ना कि मेरे को मुझे अब है ना गर्म दवाई मत देना या ज्यादा पावर वाली दवाई नहीं देना, ठीक है ना, मेरे को नुकसान करती है। तो हम लोग के माइंड में वही रूबरी कहते हैं फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर मेडिसिन बीइंग पॉइजन, ये रूबरी की ज्यादा करके स्ट्राइक आता है। लेकिन अगर हम लोग पूछे क्यों ऐसा, तो वो अगर पेशेंट बोले कि नहीं मतलब मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, गर्म दवा में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो ये गर्म दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ दैट इज डेल्यूजन डेलिकेट या डेल्यूजन ब्रिटल, ये रूबरिक आता है। या कोई 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 पेशेंट जैसा बोलता है सेंट्रल रूबरिक है, हाँ ये तुजा का मेन थीम है। और कोई कोई पेशेंट देखो ऐसा बोलता है कि मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। अभी जब ये पेशेंट देखो हल्के से बोलता है, मजाक करके बोलता है, तो हमारा माइंड में क्या आता है कि लाइट डिजायर, हम लोग बेला की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अगर पूछे उसको थोड़ा डिटेल में, तो बोले नहीं वो थोड़ा भी मैं टेंशन लेता हूं ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो दैट इज डेल्यूजन ब्रिटल, ये हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये चार्ट दिखता है, ठीक है, यही मेरा रूप दिखता है। और उसमें लाइट डिजायर डिग्निटी वाला ऐसा कोई फील नहीं था, तो इसके लिए लेटर में की तरफ नहीं गया, उसको तूजा ही दिया था। आई थिंक अपने ग्रुप में एक ही जन ने क्रैक किया है, कोई सर है किसने क्रैक किया है, डॉक्टर जुम्मन बिहारी दास, उन्होंने ही क्रैक किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर जुम्मन सर। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। देखो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन जो बोला था कंप्लायंसेस टू विशेस ऑफ अदर, वो कौन सा एक्चुअली रूब्रिक था? कॉम्प्लाई टू द विशेस ऑफ अदर ऑब्लाइज टू, ऐसा रूब्रिक है वो। ये रिट्रो में मैंने लिया था, उस टाइम में मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ था ये रूब्रिक। उसमें मैग्म्यूर है, फिर ट्रिटिकम है और थूजा है। और भी कुछ रेमेडी ऐड हुई तो मालूम नहीं सर। रेस डिजायर फोर नहीं ले सकते? वही मैं बोला, देखो ये हाइपो ले सकते हैं रेस डिजायर भी ऐसा। तो देखो और भी मैंने पहले तो मुझे ये नेट्रम्यूर का भी फील दिया था, फिर ये लेडी थोड़ी मेरे को प्लेटिना जैसी भी लगी थी, क्योंकि वो बोलती है ना कि इन लोगों के मतलब इसमें से पसीने में से बास आती है। अभी देखो 5-6 साल जिसकी शादी भी हो गई उसके बावजूद भी उसने मतलब अपना इनलॉस का घर अडॉप्ट नहीं किया, वही हो गया ना। नहीं तो वो क्या बोलना चाहिए कि मेरे घर में मतलब मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनके पसीने में से वास आते मेरे घर में, मतलब अभी ये घर अभी तक उसका हुआ नहीं है, तो इन लोगों में से। तो रूब्रिक है कि डेल्यूजन सी डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली और फैमिली डज नॉट बिलोंग टू हर, ऐसा जो रूब्रिक है। और डिसगस्ट है, तो इसे लेके मेरे मुझे प्लेटिना भी स्ट्राइक हुई थी, लेकिन प्लेटिना जैसा जो हॉटीनेस था, ईगो था, ये सब मेरे को फील नहीं आया। जो उसकी एक्सक्लूसिवनेस दिखाती है, मतलब ये फील मेरे को नहीं आया था। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो रूब्रिक बहुत सारा आ सकता है, इसमें और भी रूब्रिक्स आ सकता है। उसमें तूजा है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर उसके वर्जन से रूब्रिक बनाने जाए तो बहुत सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं। ठीक है सर, हम इसको ऐसे कैसे समझेंगे, यानी रूब्रिक कैसे समझेंगे कंप्लाई टू द विशेस फीलिंग ऑब्लाइज टू, यानी दूसरों के जी पूरा रूब्रिक क्या है, कंप्लाई टू द विशेस ऑफ अदर्स ऑब्लाइज टू। ऑब्लाइज टू मतलब उसको करना ही पड़ेगा, ऑब्लाइज टू। हम लोग लेटर में लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑब्लाइज लिखते हैं ना, जो ऑब्लाइज टू द विशेस ऑफ अदर, तो ऑब्लाइज टू मतलब उसको करना ही पड़ेगा। कॉम्प्लाई मतलब जो दूसरे लोग बोलते हैं वैसा उसको कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा। ये जो यील्डिंग डिस्पोजिशन है उसके भी आगे का रूबरी है। देखो यील्डिंग डिस्पोजिशन में सिर्फ यील्ड करेगा बट थोड़ा तो रेजिस्टेंस रहेगा,
इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब जैसा वो दूसरे लोग बोलेगा वैसा उसको करना ही पड़ेगा, करने को बाध्य होता है, बाध्य है। और एक जो रूब्रिक बताए थे किसने कि he has no protection, ऐसा कोई रूप, कौन सा रूब्रिक है वो, कार्सिनोसिन का, he has no defense and protection। हाँ, क्या रूब्रिक है वो सर? वो रूब्रिक बताएंगे प्लीज। सर डेल्यूजन प्रोटेक्शन डिफेंस हैज नो, डेल्यूजन प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन डिफेंस हैज नो मींस ही हैज नो प्रोटेक्शन और डिफेंस, उसका मतलब क्या देखो, अगर कार्सिनोसिन का जर्नी अगर आप देखेंगे ना तो कार्सिनोसिन में कैसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू अर्ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, अगर समझो ऐसा कोई बच्चा है कि जो बचपन से मतलब जिम्मेदारी लिया है, बचपन से घर को निभा रहा है, उसके पिताजी नहीं है, एक्सपायर्ड हो गए, कैसा कुछ तो सिचुएशन है, यही रूबरी बता रहे ना, डेल्यूजन प्रोटेक्शन डिफेंस इज नो, ठीक है ना। तो ये बच्चा कैसा अकेला काम करता है, घर का पूरा जिम्मेदारी संभालता है, तो कैसा बोलेगा पेशेंट कि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, तो जो भी है मेरे को संभालना है, मतलब कोई मेरे को सपोर्ट करने वाला नहीं है, या ये किसका सपोर्ट भी नहीं चाहता। देखो दैट इज हैज नो प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, मतलब जो रूब्रिक से वो हम लोग को फीलिंग में और उसकी जो सिचुएशन है वो हिसाब से हमें रूब्रिक कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। ये रूब्रिक हैज नो प्रोटेक्शन और डिफेंस, मतलब मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, जो भी करना है मेरे को करना है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला भी नहीं, कोई मुझे प्रोटेक्ट करने वाला भी नहीं है, या कोई डिफेंस करने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंटेस्ट में ये रूब्रिक आएगा। थैंक यू सर, समझे ये रूब्रिक? जी सर, जी सर। ठीक है, तो थुजा का शॉर्ट जर्नी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो थुजा यूजुअली हमारे ध्यान में नहीं आती है। अभी हेड बिलोंग्स टू अनदर में और एक रेमेडी है थेरिडियोन, लेकिन वो कभी यूज नहीं किया, ये रूब्रिक लेके हम कभी यूज नहीं किया। तो अगर हम लोग रूब्रिक राइट पकड़ेंगे ना तो रेमेडी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन समझो अभी यही केस में मैं डेल्यूजन ये हेड बिलोंग्स टू अनदर पकड़ के मैं नेट्रेम्यूर तरफ जाता था, नेट्रेम्यूर अगर फेल होती थी तो क्या होता था, फिर हमें डाउटफुल होता था कि वेदर अपना रूब्रिक राइट है कि रॉन्ग है, फिर नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम चालू होता है, और दो तीन ऐसा बाउंस जाता है, फिर कैसा होता है हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है और फिर एबीसीडी चालू हो जाती है। ठीक है ना, तो थुजा देखो कैसा रहता है कि थुजा में रूबरी के देखो डेल्यूजन फ्लाइंग, डेल्यूजन फ्लोटी, मतलब क्या है फ्लाइंग है वो अपने आप उड़ रहा है, फ्लोटिंग कैसा है कागज अगर हवा में जा रहा है तो हवा के जोर से वो उड़ रहा है, अपने आप नहीं उड़ रहा है लेकिन उड़ रहा है, तो डेल्यूजन फ्लाइंग, डेल्यूजन फ्लोटिंग, ये रूबरिक थुजा में रहता है। ये जो हम लोग जर्नी समझते हैं या जर्नी हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है, वो रूब्रिक हमें याद रखने के लिए कि ये जर्नी रहेगा तो रूब्रिक्स हमें याद रहता है। ये जरूरी नहीं कि पेशेंट यही स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन रूब्रिक कैसा इवॉल्व होता है या रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक मतलब जर्नी बना के करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी जरूरी नहीं कि यही स्टेट में पेशेंट आना चाहिए या यही रूब्रिक में पेशेंट फिट होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पेशेंट कोई भी स्टेट में आ सकता है। और ये एक जो जर्नी है हमारा एक फेसेट है रेमेडी का, उसके अलावा कई सारे फेसेट्स वो रेमेडी के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका कैसा है, डेल्यूजन फ्लाइंग, डेल्यूजन फ्लोटिंग, फिर डेल्यूजन फीट स्केर्सली टच द ग्राउंड वॉकिंग वैन, मतलब जब भी वो चलता है तो फीट जमीन पे, जमीन को टच ही नहीं कर रहा है।
डेल्यूजन पावरफुल ही इज, मतलब उस पे, उसके पास इतना पावर है, फिर डेल्यूजन सी वुड हार्डली टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच ही नहीं होता है, डेल्यूजन वॉक्स इन एयर, हवा में चल रहा है, मतलब ये आदमी हवा में उड़ रहा है, हवा में चल रहा है, ये स्टेट में थूजा रहती है, ठीक है, ये स्टेट में थूजा रहता है, मतलब उसमें उसको ऐसा लगता है मेरे पास बहुत पावर है, हॉटीनेस में रहती है, तो ये स्टेट में कैसा रहता है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर वायलेंट इफ थिंग्स डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू हिज विश, समझ सकते हैं ना, फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन घर पे अच्छे रहते हैं, मतलब घर पे उसको तकलीफ होती है लेकिन बाहर जाएंगे तो बाहर अच्छे रहते, स्कूल से उसकी कुछ कंप्लेंट नहीं आती है, ठीक है, फिर डेल्यूजन फ्लाइंग आउट ऑफ द स्किन, ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है, समझने के जैसा रूब्रिक है कि स्किन मतलब क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करती है, तो घर का प्रोटेक्शन क्या रहता है कि घर में जो रूल्स रेगुलेशन रहता है वो घर का प्रोटेक्शन है, लेकिन तुझा एनार्किस्ट है, इसके लिए उसको कुछ नया करने का है, जो ऑथोरिटी है उसको मानना नहीं है, और प्लस ये रहता है कि डेल्यूजन वॉकिंग इन द एयर, ये सब रूब्रिक रहता है, तो उसके वजह से उसको घर का कुछ रूल्स रेगुलेशन मंजूर नहीं होता है, दैट इज फ्लाइंग आउट ऑफ द स्कीम, कि घर में रूल्स है कि रात में 11 बजे के बाद में लड़की लोग बाहर नहीं जाना मांगता, 11 बजे के पहले आ जाना चाहिए, अगर किधर रिलेटिव्स के उधर जाते हैं तो स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनना चाहिए, या ये टाइप के कपड़े पहनना चाहिए, शादी में गए तो ऐसा ही कपड़े पहनना चाहिए, तो ये सब जो रूल्स रेगुलेशन है वो तुजा को मंजूर नहीं होता है, दैट इज फ्लाइंग आउट ऑफ द स्कीम ऑफ तुजा, ठीक है, तुजा देखो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में भी है, मतलब जो चिल्ड्रन स्पॉइल होता है उसमें भी तुजा है, और उसका एलिमेंट्स कहां से चालू होती है, तुजा की, तुजा की एलिमेंट्स चालू होती है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निगलेक्टेड, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निगलेक्टेड बाय वंस मदर, ये कैसा है कि जो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन है और निगलेक्ट भी हुई, एलिमेंट्स फ्रॉम निगलेक्टेड बाय वंस मदर, तो सेगल सर का ये केस था, उन्होंने शेयर किया था सेमिनार में कि एक लड़की थी उसको मतलब वो पढ़ाई की तो मदर उसको बहुत ही पैम्पर करती थी, मदर पैम्पर करती थी, उसके बाद में मदर ने क्या किया, उसको कुछ सिखाया नहीं कि खाना कैसा बनाने का, मतलब इनलॉस के साथ में बिहेव कैसा करने का, जब भी अपने ससुराल गए तो कैसा बिहेव करने का, तो ये सब उसको ने जो मतलब संस्कार है वो दिए नहीं थे, तो यही लड़की जब ससुराल में जाती है तो उसको भारी पड़ जाता है, ठीक है, तो वहां पे उसको भारी पड़ता है, काम वगैरह आता नहीं है, खाना पकाना आता नहीं है, जैसा ये लड़की थी, ये जो अपने घर में थी सी वॉज यंगेस्ट, अभी जब ससुराल आई तो सी इज द एल्डेस्ट बहू ऑफ द फैमिली, तो उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा रहेगी, तो कैसा है कि उसको अगर समझो स्पॉइल्ड चाइल्ड है तो उसको कुछ खाना बनाने इतना बराबर आता नहीं रहेगा, घर की जिम्मेदारी कैसे संभालने का आता नहीं रहेगा, अभी इनलॉज है कि दो और तीन सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, उसको कैसा संभालने का, कैसा टेकल करने का, मदर इन लॉ फादर इन लॉ उसको कैसा टेकल करने का, हस्बैंड को कैसा टेकल करने का, अगर ये सब टेक्टिक उसको नहीं आती है तो स्लोली स्लोली क्या होता है उसको कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जैसा बोलते हैं ना कि इरिटेशन होने लगता है, इरिटेशन एक साथ में जमा करती है और हस्बैंड पे छोड़ती है, तो एब्यूजिव टुवर्ड्स फैमिली, एब्यूजिव टुवर्ड्स हस्बैंड, ये सब रूब्रिक आ सकते हैं, तो यहां से क्या होता है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो दैट इज कॉन्फिडेंस वॉन्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और तुजा कैसा है कि ये कॉन्फिडेंस लूज होता है उसके साथ में वो अपने आप को कम समझती है कि देखो सिस्टर इन लोग को तो आता है या दूसरी कोई रिलेटिव्स है उसके जैसी बहू है उसको तो सब खाना पकाना आता है सब आता है लेकिन उसको नहीं आता है तो वो सेल्फ डिप्रिसिएशन में चले जाती है, कॉन्फिडेंस वॉन्ट ऑफ सेल्फ सेल्फ डिप्रिसिएशन, अभी ये सोचती है हस्बैंड के लिए मैं खाना पका नहीं सकती है, घर वाले को इतना ढंग से रख नहीं सकती है, बच्चे लोग को अच्छे से नहीं रख सकती है, तो वो जाती है कॉन्टेप्चुअस ऑफ सेल्फ और डिल्यूजन वर्थलेस कि फिर ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा है, यहां पे उसको सुसाइडल थॉट भी आ सकता है, तो यहां पे कैसा रहता है कि जो इनलॉज है उनको फिर देखता नहीं कि जाने दिए बहू ऐसी ही है, तो गर्भ टाइम कैसा रहता है
या दूसरी बहू अच्छी आती है या ऐसा कुछ रहता, तो घर वाले उसको ज्यादा फिर देखते नहीं कि तेरे को अगर सेपरेट होने का ठीक है तू सेपरेट हो जा, तो हस्बैंड को लेके सेपरेट हो गया। और इसका ऐसा ही हुआ था, अभी वो हस्बैंड के साथ में और उसके तीन बच्चे तीनों के साथ में अलग से रहती है, तो मतलब इन लोग उसको छोड़ देते, डेल्यूजन आउटकास्ट सीवर आउटकास्ट। फिर रिप्रोच, ये अच्छा रूब्रिक है, रिप्रोचिंग वन सेल्फ अबाउट वन पेशेंट। समझो ऐसा कोई पढ़ी लिखी बहू है कि कोई डॉक्टर है इंजीनियर है, लेकिन वो घर के पीछे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, भले वो वहां पे सक्सेस रहेगी लेकिन घर के उसमें वो सक्सेस नहीं है। फिर उसको जब रियलाइज होता है दैट टाइम सी रिप्रोचिस हर सेल्फ, तो रिप्रोचिंग वन सेल्फ अबाउट वन पेशेंट कि मेरा तो ये पेशेंट था, मैं डॉक्टर बनू या मैं इंजीनियर बनू सर्जन बनू, लेकिन ये मामले में वो पीछे रह जाती है। जब भी उसको रियलाइज होता है कि मेरा पेशेंट के पीछे ये जो लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट था ये तो छूट गया। आजकल देखो बहुत पीसीओडी वगैरह जो हमें दिखती है और अब सब लोग 30-35 मैरिज करते हैं, अप टू 35-37 तक बच्चे होते नहीं है और बाद में बच्चे लोग के लिए ट्राई करते हैं, तो जब भी क्या होता है फिर पता चलता है कि पीसीओडी हो गया, कंसीव नहीं होता है, तो जब भी मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट के पीछे अपनी उम्र तो छूट गई, तो अभी बच्चा होना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट इज रिप्रोचिंग वन सेल्फ अबाउट वन पेशेंट। और फिर जबरदस्ती काम करने को जाती है तो भी उसकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉडी अभी तक वीक हो चुकी रहती है, ब्रिटल हो चुकी रहती है, दैट इज डेल्यूजन ब्रिटल, डेल्यूजन डेलिकेट, डेल्यूजन बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्लास। फिर ऐसे बोलते ना जो पेशेंट, मुझे स्ट्रांग दवाई मत देना, मैं कुछ भी स्ट्रेस लेता हूं तो बीमार पड़ जाता हूं, दिस इज ऑल डेल्यूजन ब्रिटल, डेल्यूजन डेलिकेट। फिर मुझे तो आराम की, मुझे आराम नाम की कोई चीज नहीं, रात में सोई तो भी सुबह में फ्रेश नहीं होती है, दैट इज डेल्यूजन ही हैज नॉट स्लेप्ट इनफ। ये सब चूजा का फिक्स आइडियाज रहता है, ये आइडिया लेके ही फिर वो चलते रहता है कि मैं जल्दी से बीमार हो जाती हूँ, मेरी बॉडी बहुत वीक है, मेरी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। यहाँ पे वो दूसरे का फिर मानने लगती है, जैसा दूसरों ने बोला वैसा वो करने लगती है, जैसा ये लेडी में था, तो दिस इज डेल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, जो हमने देखा वैसा। फिर वो बोलते है ना कि पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, दिस इज कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी एज टू वन्स आइडेंटिटी। और दूसरा रूब्रिक है डेल्यूजन आइडेंटिटी एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब उसको फिर सरप्राइज होता है कि मैं वही हूं कि मैं दूसरी हूं, ऐसा इतनी चेंज में कैसे हो गई। ठीक है, एस्ट्रेंज फ्रॉम द फैमिली एंड काइंड विद अ स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे थूजा जो है वो दूसरा भी एक रूप अडॉप्ट कर सकती है कि वो यील्डिंग डिस्पोजिशन में जाती है, इनलॉस के साथ में यील्ड कर लेती है, फ्लैटरिंग सेड्यूसिंग बिहेवियर हो सकता है, प्लीज प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, फिर कॉम्प्लाई टू द विशेस ऑफ अदर्स, ये सब रूब्रिक भी उसमें डेवलप हो सकता है। ठीक है, थूजा का जो चाइल्ड है वो हमें देखें, चाइल्ड का बहुत अच्छा रूब्रिक से थूजा में, फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, चिल्ड्रन कैनॉट बियर टू हैव एनीवन कम नियर देम, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन तो है। फिर एंगर टेंपर टेंट्रम्स, ये भी, ये दोनों रूब्रिक्स बहुत अच्छे है और ये स्टेट में हमें बहुत पेशेंट दिखाई देते, देखो उसमें थूजा सिंगल है। एंगर टेंपर टेंट्रम्स थ्रोस देमसेल्व्स ऑन द फ्लोर एंड कैनॉट गेट देयर ब्रेथ। जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड था मेरे पास, उसको पहले मैंने ट्यूबरकुलिनम दिया था, फेल हुआ था, और फिर ये रूब्रिक देखे, फिर उसको थूजा दिया था, उसको जरा भी उसके पिताजी ने या माँ ने कुछ बोला या उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया तो वो सीधा क्लिनिक का दरवाजा खोल के बाहर पैसेज में चले जाता था, अपना शर्ट निकाल दिया और सीधा जमीन पे लेट जाता था, मतलब जो रोलिंग ऑन द फ्लोर बोलते ना वैसा जोर जोर से चीखते चिल्लाते था, उसको मतलब संभालने का बहुत मुश्किल हो जाता था, उसको चुप करने का बहुत मुश्किल होता था। तो ये रूब्रिक लगा सकते हैं, डेल्यूजन एंगर टेंपर टेंट्रम थ्रोस देमसेल्व्स ऑन द फ्लोर कैनॉट गेट देयर ब्रेथ। और दूसरा रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्शन एलिमेंट्स फ्रॉम थ्रोस देमसेल्व्स एंग्रीली ऑन द फ्लोर व्हेन इन द लिस्ट अपोस्ट, मतलब थोड़ा भी अगर उसको अपोज किया तो वो सीधा जमीन पे लेट जाएगा, जमीन पे इधर उधर घूमने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, टेंपर टेंट्रम्स में चला जाएगा। सो ये थूजा का एक शॉर्ट जर्नी है।
और एक अच्छा रूब्रिक है तुजा में, दैट इज कैलकुलेटेड बिहेवियर, उसमें भी तुजा सिंगल है कि तुजा का जो भी बिहेवियर रहता है या जो भी वो काम करती है तो वो कैलकुलेट करती कि मैं मतलब मेरा काम इतना ही है तो इतना मैं कर लूंगी, फिर इधर से इधर काम मेरी सिस्टर इन लॉ का है या दूसरी बहू है उसका है, इतना काम मतलब मेरे सास करेगी तो वो हिसाब से ही काम करेगी, उतना ही काम करेगी, दैट इज कैलकुलेटेड बिहेवियर। ठीक है, तो दिस वॉज द शॉर्ट जर्नी ऑफ तुजा। सर डिल्यूजन, एंगर, टेंपर टैंट्रम ये किस रिपोर्टरी में मिले? डिल्यूजन नहीं है, सॉरी डिल्यूजन नहीं है, ये एंगर टेंपर टैंट्रम ये कंप्लीट रिपोर्टरी में। ओके कैन नॉट गेट, पर ये डिल्यूजन नहीं है सर, ये वो अपना सांस नहीं ले पाता है वही है ना, कैन नॉट गेट देयर ब्रेथ। हां कैन नॉट गेट देयर ब्रेथ, यस दैट इज अ रूब्रिक। Anger, tantrum, tantrum, throws themselves on the floor, cannot get their breath. क्योंकि ये ऐसे जो obstinate हम लोग देखते हैं ना children, तो हमारे mind में सबसे पहले tuberculinum आता है, और ये जो child था उसको पहले मैंने tuberculinum ही दिया था लेकिन fail हुआ, तो उसके बाद में मैंने ये rubric देखा था तुझा का। tarantula भी करता है? हाँ tarantula भी हो सकती है। ठीक है, और कोई पर कोई सिटी क्यू पूजा के लिए? पूजा के लिए सिटी क्यू जो मैं बोलता हूँ ना, अगर जो पेशेंट बोले डिल्यूजन ब्रिटल हमें कंफर्म करना है, तो पेशेंट बोलता ना कि मेरे को मतलब बहुत कम पावर की दवा देना, भारी दवा नहीं देना, तो यूजुअली मैं भी पहले, अभी पेशेंट बोला नहीं जब तक हमारा रूब्रिक टाइप हो जाता है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड या फियर ऑफ बींग पॉइजन, ये सब मतलब अपने आप अपना फिंगर चले जाता है, टाइप हो जाता है। लेकिन अगर उसको और पूछा ना कि क्यों ऐसा या क्या वजह है, कभी ऐसा नुकसान हुआ है पहले, तो कोई कोई पेशेंट बोलते भी है कि देखो मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे दवा नुकसान करता है, थोड़ा भी अगर मैं गर्म दवा खा लेती हूँ ना तो मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले तो हमारे माइंड में क्या होता है, हायोसैमस ये वो वही सब घुसता है, लेकिन और थोड़ा पूछे तो हमारे पास कंफर्म होता है। सर इसमें मेडिसिन पॉइजन करके दिमाग में आ जाए? हाँ वही मैं बोलता हूँ, हमारा माइंड में डायरेक्ट फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, फियर मेडिसिन बीइंग पॉइजन यही आता है, लेकिन तुझा कभी ध्यान में नहीं आता है। सर आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही बोलते हैं मुझे इससे एलर्जी है, मुझे उससे एलर्जी है। हाँ तो पूछना क्या क्यों एलर्जी है, क्या है उसका, थोड़ा मतलब पीछे जाना पड़ता है, उसके वाई में जाना पड़ता है, जब तक वाई कंफर्म नहीं होता ना तो वो रूब्रिक हमारा पक्का नहीं रहता, वो सुपरफिशियल रूब्रिक रहता है। अभी देखो इसमें भी मैं अगर बैड डिजायर में जाता था ना, बैड डिजायर या लाइट डिजायर, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो डेफिनेटली उसको नेटरमेर ही जाती थी। सर हेलो सर, हाँ थायराइड के केस में डोज मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना चाहिए? हाँ देखो मैं यूजुअली कैसा करता हूँ कि पेशेंट को पहले से तो बोल देता हूँ कि देखो अगर तुमको थायराइड का मेडिसिन रिड्यूस करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये जरूरी नहीं कि हर टाइम टीएसएच तुम्हारा कम होके ही आएगा, बहुत टाइम तो ऐसा होता ना कि विथ थायरोनोम 100-150 भी टीएसएच ना 50-100 ये रेंज में भी आता है तो वो एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाई खा के वो रेंज में गया ना तो फिर सबको तकलीफ होने लगती है। तो पहले से बोलने लगता है कि थायरॉइड का दवा रिड्यूस होएगा लेकिन हर 3-4 महीने में तुमको T3-T4 टीएसएच कराते रहना पड़ेगा। तो ये केस में कैसा था कि जब भी कराया तो पहले तो टीएसएच लेवल इतना ज्यादा नहीं था, 8.5-8.7 ये रेंज में था, तो जब भी 3-4 महीने में पेशेंट चेक कराते थे टीएसएच कम आता था, तो एवरी 3-4 मंथली 12.5 मिलीग्राम माइक्रोग्राम में रिड्यूस करते गया, तो स्लोली स्लोली उसका मतलब पूरा एवरी टाइम लकीली पॉजिटिव आया, टीएसएच कम होते आया, तो लास्ट में फिर 12.5 3-4 महीना करके फिर मैंने बंद किया। बंद करने के बाद में भी वापस चेक करना
और बोलना पहले से कि अगर ये जरूरी नहीं कि हर टाइम टीएसएच तुम्हारा कम ही आएगा, अगर बड़ा टीएसएच एक पेशेंट का ऐसे हो गया था उसको ऑटोइम्यून डिजीज भी था, दूसरा एएनए पॉजिटिव था, 3+ था कुछ, और साथ में हाइपोथायरॉइड भी था, तो एक टाइम सडनली क्या होगा कि जो नॉर्मल चल रहा था टीएसएच कुछ 5-6 ये रेंज में चल रहा था, तो एक टाइम टीएसएच कराया कुछ, उसने 2-3 साल के बाद में टीएसएच कराया तो सडनली उसका टीएसएच 50 के रेंज में आ गया। 50 के रेंज में टीएसएच आया तो मुझे बोली कि क्या करने का, अभी थायराइड के डॉक्टर को बताऊं तो दवा चालू करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो बोला ठीक है आप बताने का बता दो, लेकिन वो थायराइड में चालू करेगा, अभी 50 आया तो उन लोग डायरेक्ट 100-150 ये रेंज में चालू करेंगे, तो आप एक काम करो एक महीने देखो, एक ये दवा लेके देखो, एक महीने के बाद चेक कराना, अगर एक महीने के बाद में भी अगर बढ़ के आया तो ठीक है आप चालू कर लो थायराइड, फिर आपको होम्योपैथी लेना है लेना, नहीं लेना मत लेना, ठीक है ना। और उसको ऑलरेडी मैं जो डोज दिया था 1 mg का था, तो ये टाइम में उसको मैं 10 mg का मेडिसिन दिया, तो 10 mg का मेडिसिन देने के बाद में 1 या 1.5 महीने के बाद उसने चेक कराई जब तो टीएसएच आ गया डायरेक्ट कुछ 10 पे, तो 10 पे आया उसको बिलीव हो गया, फिर आस्ते आस्ते नॉर्मल। थैंक यू सर। हेलो गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हाँ बोलिए ना, कुछ क्वेश्चन था? हाँ सर पूछ रहे। हेलो। हाँ बोलिए ना। इनकेस पेशेंट जैसे कि अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको थायराइड पॉजिटिव आया, टीएसएच बढ़ के आया, तो उनको भी नहीं पता कि मुझे थायराइड है, तो जैसे कि अपन ने कुछ आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही थी मैम। हेलो बोलिए। हाँ आ रही है, अभी आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है अभी। हाँ बोलिए ना। सर हाँ बोलिए। आप लीव करके ज्वाइन करिए मैम, या तो फिर ग्रुप में डाल दीजिए। मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। चलेगा चलेगा। अभी आवाज आ रही है, मेरे को लगता है आप म्यूट थे इसकी वजह से। यस सर। नहीं मैं सर इसमें कुछ डाइट मैनेजमेंट भी अलग से करते क्या? हाँ ओबेसिटी है तो वो हिसाब से आपको थोड़ा एडवाइस करना पड़ेगा ना, या समझो साथ में शुगर है तो एडवाइस करना पड़ता है, हाइपरटेंशन है तो एडवाइस करना पड़ता है, वो डाइट मैनेजमेंट थोड़ा बोलना ही पड़ता है पेशेंट। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ कि एक रूब्रिक रिलेटेड क्वेश्चन है। एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड एंड ओनली थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, इन दोनों में क्या फर्क है सर? एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड तो जब भी गुस्सा होएगा जब भी फेंकेगा ना, और सिर्फ थ्रोइंग थिंग्स अराउंड में क्या होगा? वो विदाउट एंगर भी फेंक सकता है ना, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। ओके सर थैंक यू। थैंक यू। विदाउट एंगर फेंक सकता है? क्यों नहीं फेंक सकते, जब इसमें लिखा है रेपर्टरी में तो।
और कोई क्वेश्चन है कि वाइंड अप करें? ठीक है, सो ग्रेटिट्यूड एवरीवन, ग्रेटिट्यूड ऑल मेंटर्स ऑफ IHF, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मनोज सर एंड ऑल द रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स ऑफ IHF, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया था, थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा बोला, मैं पूछा था कि गुना गुस्से के भी फेंक सकता है कि नहीं, तो एक दो हमारे पास दो रूब्रिक है ना अलग अलग, एक एंगर थ्रोइंग थिंग्स और शायद थ्रोइंग थिंग्स बोल के भी है। तो एंगर पार्ट में क्या होता है कि एंगर के कारण से फेंकता है, और थ्रोइंग थिंग्स में कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान फेंक देते हैं या कोई रिलेशन तोड़ देते हैं बिकॉज हमें लगता है कि चलो अब ये रिलेशन आगे नहीं रखना, या कपड़े पुराने हो गए तो हम फेंक देते हैं, या बच्चे खेलते खेलते फेंकने की आदत होती है, उठाया इधर उधर फेंक दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसमें सबसे पहले उसका रिएक्शन क्या है उसके हिसाब से उसके बाद की जो चीजें आएंगी, तो बिना गुस्से के भी ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू दिलीप, बहुत अच्छा था, थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप जानी सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू प्रवीण सर, deep gratitude to our most senior and respected mentor Dr. Jaiswal sir, हमें join करने के लिए और guide करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। deep gratitude to our respected and senior mentor Dr. Dilip Jani sir, मजा आया सर, wonderful session था, thank you very much। ध्वजा के बारे में बहुत कम पढ़ने को सुनने को मिलता है, cases बहुत कम देख, बहुत ही बढ़िया केस था सर, और जो आपने उसका जर्नी बताया है छोटा सा या रूब्रिक बताए हैं वो सभी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हमें हमारे क्लिनिक में अगर थुजा का पेशेंट आता है तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। तो डीप ग्रेटिट्यूड सर, और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑल रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट करने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की इस वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अभी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीसी। थैंक यू सर, मुझे मुझे कुछ करनी थी, एक मेडिसिन है एड्स करके, नो सोर्स ग्रुप की है, मैंने उसके बहुत सारे रूब्रिक्स